हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्रताप एंड आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लेसन्स। आप में से जो भी बच्चे 12th में आए हैं इस साल 11th से, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि जितने भी 12thies ने हमारे चैनल के एमसीक्यू सीरीज को स्टडी किया था लास्ट ईयर, उनका इकोनॉमिक्स का पेपर बेस्ट गया। एंड तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 से, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपका बुक 1 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सिलेबस फॉर द सेशन 2020-21। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th से 12th में आए हैं, और इन्हीं बच्चों का पेपर होगा आपका नेक्स्ट ईयर मार्च 2021 में। तो दो बुक्स आपकी होती हैं क्लास 12th में, एक होती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका वेटेज होता है 40 मार्क्स का, एंड सेकंड बुक आपकी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इसका भी वेटेज आपका 40 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, इसमें से 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में, ये क्योंकि पार्ट वन है इस चैप्टर का, और मैं बता दूं कि हम एक साथ पूरे चैप्टर को कवर नहीं करेंगे क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर है, हम अच्छे से पार्ट बाय पार्ट इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आपको वीडियो के बीच में कभी भी कोई डाउट आए, सो यू आर फ्री टू कमेंट डाउन, आई विल आंसर योर क्वेरी। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर वन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा पार्ट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे स्टडी करता है। कहने का मतलब है कि इसमें आपकी पूरी कंट्री के लेवल पे स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। सेकेंड पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका स्टडी करता है एग्रीगेट आउटपुट को, कि कितना टोटल प्रोडक्शन कंट्री में हुआ एक साल में या गिवन पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो, एंड जनरल प्राइस लेवल, कि मतलब इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या है, हर कमोडिटी का एक जनरल प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी में, क्या इन्फ्लेशन है क्या डिफ्लेशन, ये सब चीजों को भी स्टडी करता है। थर्ड है, इट इज नॉट कंसर्न विद एन इंडिविजुअल यूनिट बट विद द इकोनॉमी एज अ होल। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करता है चीजों को, कंज्यूमर हो प्रोड्यूसर हो, एक इंडिविजुअल लेवल पे उनके बीच जो प्रोडक्शन होता है कंजम्पशन होता है एक्सचेंज होता है इन सब चीजों को स्टडी करता है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं होता है, ये आपका इकोनॉमी एज अ होल पे कंसर्न रहता है। नेक्स्ट इज स्टडीज इन्फ्लेशन जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका इन्फ्लेशन को स्टडी करता है एज अ कंट्री एज ए होल के लेवल पे, जीडीपी को कि कितनी कंट्री ने गुड्स प्रोड्यूस किए एक साल में, इकोनॉमिक ग्रोथ की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही। आसान शब्दों में अगर हम इन ब्रीफ इसकी बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चाहे वो जीडीपी हो इन्फ्लेशन हो उसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी ना करके इकोनॉमी एज अ होल कंट्री के पूरे लेवल पे स्टडी करता है। तो आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला आपका फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हैं। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो गुड्स जो प्रोड्यूस हो चुके हैं एंड तैयार हैं यूज करने के लिए बाय देयर फाइनल यूजर्स। एक तरह से फाइनल यूजर्स जो उनके हैं दे आर रेडी टू यूज देम। सेकेंड है, डू नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। फाइनल गुड्स मतलब एक बार वो प्रोड्यूस हो गए, जैसे आपकी शर्ट है, शर्ट आपकी एक बार कॉटन शर्ट है वो एक बार प्रोड्यूस हो जाए कॉटन से कॉटन शर्ट में बन जाए तो दोबारा आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा आप कॉटन शर्ट से कुछ और नहीं बना सकते, तो इसलिए कॉटन शर्ट आपकी एक फाइनल गुड हुई। थर्ड इज, वंस सोल्ड पासेस आउट ऑफ एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। तो फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें तो एक बार अगर फाइनल गुड्स बन जाएं या बिक जाएं, सॉरी बन जाएं नहीं बिक जाएं, एक बार बिक जाएं वो सोल्ड आउट हो जाएं तो वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, आप देख लीजिए इसके, फूड फूड आइटम्स आपके हों या क्लोदिंग जो आप कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। स्टार में आप एक पॉइंट देख सकते हैं, इट इज इन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ यूज ऑफ अ गुड दैट इट बिकम्स अ फाइनल गुड। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसा गुड पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये ही फाइनल गुड होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक नेचर ऑफ यूज पे, कि मतलब किस तरह से उसे यूज किया जा रहा है। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप गए मार्केट में टी लीव्स लेने, चाय बनाने के लिए आपको टी लीव्स की जरूरत पड़ती है, आप गए चाय पत्ती लेने टी लीव्स लेने मार्केट से, एंड घर लाए आप उसको, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया
एंड आपने चाय बनाई एंड पी ली। अब आप सोचेंगे कि टी लीव्स फाइनल गुड कैसे हुए, क्योंकि मैं घर पे आया, मैंने उसे दोबारा ट्रांसफॉर्म किया, मैंने उसमें शुगर वगैरह ऐड करी, तो वो तो एक तरह से फाइनल गुड हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने बात करी थी कि दोबारा उस पर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता फाइनल गुड्स का। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि घर पे आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है। हालांकि अगर आप वही टी लीव्स को, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप वहाँ रेस्टोरेंट में जाके उनको ब्रू करते हैं, उससे चाय बना के आप लोगों को रीसेल करते हैं, आप लोगों को दोबारा बेचते हैं, तो वो आपकी फाइनल गुड हुई, बनी हुई चाय। जो आपकी टी लीव्स होंगी, अगर आप रेस्टोरेंट के केस में बात करें, तो आपकी फाइनल गुड नहीं होंगी, क्योंकि आप उसे फर्दर रीसेल कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि अगर आप घर पे वही टी को बना रहे हैं तो वो आपकी फाइनल गुड हुई, बट अगर आप रेस्टोरेंट में एक तरह से टी लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी फाइनल गुड नहीं हुई, क्योंकि आप उसको दोबारा रीसेल कर रहे हैं। तो जो अगला गुड्स का टाइप है, इट इज कंजम्पशन गुड्स, इन्हें आप कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। तो पॉइंट देख सकते हैं आप, आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो जब कंज्यूमर गुड्स वही गुड्स होते हैं जो एक तरह से कंज्यूमर परचेज करता है अपनी वॉन्ट्स को, कि किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आप जूस परचेज करते हैं, तो आप अपनी जो वॉन्ट है, आप चाहते हैं जूस पीना, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो एक तरह से आपके लिए जूस कंजम्पशन गुड हुआ। थर्ड इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो एक बार जब आप अल्टीमेट कंज्यूमर आप हैं, आप जूस पीना चाहते हैं, आपने जूस पिया, तो आपका आपने उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया, तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा। थर्ड आता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का सब पॉइंट, यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कैपिटल गुड्स आपके ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। आपकी इंडस्ट्री है, आप उसमें स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपकी मशीनरी होगी, आपकी पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, वो एक तरह से आपके कैपिटल गुड्स हुए। सेकंड है, आर ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर। तो जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं, वो लॉन्ग लास्ट, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, सालों सालों जो आपकी मशीनें होती हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आता है, बट उसके बाद भी जो आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी बिल्डिंग हो, आप वो कई सालों तक, 25-30 इतने लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर। ये जो प्रोड्यूसर होता है उसके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आपकी मशीनरीज में आती है, क्या बिल्डिंग आती है। थर्ड इज, डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखिए, मशीन से आपका प्रोडक्शन होता है, बट मशीन आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। मशीन से आपके, फॉर एग्जांपल, बिस्किट प्रोड्यूस हुए, बट आप मशीन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होती प्रोडक्शन प्रोसेस में। हालांकि जो फोर्थ पॉइंट आपका कहता है, अंडरगो वियर एंड टियर, उसमें थोड़ा डैमेज आ जाता है समय के साथ, जो मशीन होती है उसमें कोई खराबी होती है, क्योंकि देखिए कोई भी मशीन हो वो 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, हो सकता है बीच में उसमें कोई खराबी आ गई हो, या फिर 10 साल के बाद हो सकता है वो खराब हो जाए, तो अंडर को वियर एंड टियर, इसका मतलब ये है कि वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट इज, हेल्प टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फाइनल गुड्स। तो जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो एक तरह से आपको मदद करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करने में फाइनल गुड्स को। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए, जो आपकी मशीनरी होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स, लाइक आपके वीट से बिस्किट बनते हैं, तो वीट एक तरह से मदद करता है, वीट जो आपका इंटरमीडिएट गुड है उसको बिस्किट बनाने में। इसके एग्जांपल्स जैसा हम पूरी स्लाइड में डिस्कस करते हैं, बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा। फोर्थ है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में या फिर रीसेल के लिए। अब रीसेल की बात करें तो लाइक आप मोबाइल डीलर से मोबाइल खरीदने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल डीलर ने खुद वो मोबाइल बनाकर रखा है एंड आप उसे ले रहे हैं। मोबाइल डीलर भी कहीं ना कहीं से उसे अपने पास उसका स्टॉक लेता है रीसेल के लिए। तो इस तरह से मोबाइल फोन जो होगा डीलर के लिए, जिससे आप फोन खरीद रहे हैं, उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड हुआ, क्योंकि वो उसे दोबारा बेच रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ, जिनका यूज फर्म करती है दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल के लिए। जैसे मोबाइल डीलर है, वो आपको फोन बेचता है, तो फोन उसके लिए, मोबाइल डीलर के लिए एक इंटरमीडिएट गुड हुआ, जबकि आपके लिए एक फाइनल गुड हुआ। सेकेंड है, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, मतलब एक बाउंड्री लाइन जो होती है प्रोडक्शन की, उसके अंदर ही रहते हैं, मतलब उसके बाहर नहीं जाते, उसके अंदर रहते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स।
जैसे स्टील है आपका, आप एक तरह से नॉर्मली आप उसे यूज नहीं कर सकते, बट अगर वो कार के फॉर्म में एक बार प्रोसेस हो जाए तो आप एक तरह से कार की फॉर्म में उसे यूज करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। स्टील यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मिल्क परचेज बाय मिल्क सेलर। तो ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन, कार्स, बाइक्स के प्रोडक्शन में जो आपका स्टील यूज होता है वो एक इंटरमीडिएट गुड है, और वैसे ही मिल्क परचेज बाय मिल्क सेलर, मिल्क सेलर आपको मिल्क बेचता है बट उसके लिए मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड है, हालांकि आपके लिए फाइनल गुड है। अगर एक आप हाउस होल्ड की बात करें, आप अगर आप घर पे खरीद रहे हैं मिल्क सेलर से, आपके लिए वो फाइनल गुड है बट कंज्यूमर गुड भी है आपके लिए एक तरह से, क्योंकि मिल्क आप अपने डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए यूज कर रहे हैं, बट जो मिल्क सेलर होगा उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। तो इस मेरे हिसाब से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी गुड्स को क्लासिफाई करने का बेसिस है वो होता है कि उनका इकोनॉमिक यूज क्या है, क्या वो आप घर पे यूज कर रहे हैं या फिर आप रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म है आपकी स्टॉक्स, इसके बाद हम कवर करेंगे फ्लो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुई होती है, स्टोर्ड होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मेरे पास 10 bags ऑफ वीट का स्टॉक है ऑलरेडी, क्योंकि आज कल लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो लोगों ने अपने घर पे कई सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं स्टॉक कर लिए हैं। तो वो एक तरह से स्टॉक हुई, एज दे आर द क्वांटिटी एक्यूमुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड इज नॉट टाइम डायमेंशनल। तो जो आपके स्टॉक होते हैं वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते हैं। टाइम डायमेंशनल नहीं होने का मतलब है कि उनको आप मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उनको आप ऐसा नहीं कि एक वीक के हिसाब से मेजर करते कि एक वीक में कितने हैं, एक मंथ में कितने, ऐसे आप मेजर नहीं करते हैं, उन्हें आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। थर्ड है इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, जितना आपका स्टॉक होगा उतना ज्यादा आपका फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जितना ज्यादा आपके पास मनी का स्टॉक होगा मतलब जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी, ये इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है। तो जितनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी उतना ज्यादा इकोनॉमी में फ्लो होगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके एग्जांपल देख लीजिए, कैपिटल, वेल्थ, बैंक डिपॉजिट्स, ये सब चीजें। और अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल कैपिटल आपकी स्टॉक का पार्ट होती है, वेल्थ आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, और थर्ड जो बैंक डिपॉजिट्स है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आपका बैंक बैलेंस कितना है, अभी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मैं पूछूंगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अभी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होगा, स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। सिक्स टर्म है आपकी फ्लो। तो फ्लो की अगर हम बात करें तो फ्लो आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो वीकली हो सकता है, बाई वीकली हो सकता है, या फिर मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम में आप मेजर कर रहे हैं। सेकंड है, इट इज टाइम डायमेंशनल। अब क्योंकि आप इसे पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, एनुअल हो या फिर बाई मंथली हो या फिर वीकली हो, तो इसलिए टाइम डायमेंशनल है। थर्ड इज इट इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि चलो हमने पढ़ा स्टॉक जो होता है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, क्लियर हो गया, अब फ्लो कैसे इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो मनी है आपके पास, आपकी सैलरी है या कहीं और सोर्सेस से आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें एक इंक्रीज आता है। अब उसमें इंक्रीज आपका आएगा तो आपकी एक तरह से सेविंग भी बढ़ेगी। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आसान शब्दों में आप समझिए कि जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आप बचाओगे भी, तो एक तरह से आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। स्टॉक ऑफ मनी जो आपके पास, स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा, स्टॉक ऑफ वेल्थ होगा। अगर आप ज्यादा कमाओगे, ज्यादा आपके पास फ्लो आएगा पैसे का, अर्निंग ज्यादा होगी आपके पास, अर्निंग का फ्लो आपका बढ़ेगा, तो एक तरह से आप जितना सेव करते हो, जितना आप स्टॉक करके पैसा अपने पास रखते हो वो भी बढ़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसके एग्जांपल देख लीजिए, सेविंग्स, सेविंग फ्लो का एग्जांपल है, और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। अब आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020, यहाँ पर एक पीरियड स्पेसिफाई किया है कि मार्च 2020 में कितने लोग पैदा हुए, कितने जन्म हुए। और स्टॉक अगर होता तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की ऑन, इसमें पूछा जाता कि नंबर ऑफ बर्थ ऑन 31 मार्च 2020, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता आपका स्टॉक में, बट क्योंकि फ्लो है तो एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे कि मार्च 2020 में। तो आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो क्लियर हुआ।
सेवेंथ है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से आपके जितने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको आप यूज में लेते हैं, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आप उनमें कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में जो समय के साथ गिरावट आती रहती है उसके रीजंस होते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, जो थोड़ी बहुत खराबी आती रहती है, एक्सीडेंटल डैमेजेस की अगर हम बात करें तो आपका अर्थक्वेक वगैरह हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, इन सबसे अगर आपका सेटअप खराब हो जाए, मशीन खराब हो जाए, एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक मान लीजिए आपने आज की डेट पे एक मशीन खरीदी 1 करोड़ की, अब अगर आप 5 साल बाद उसे देखेंगे तो 1 करोड़ की जो आज आपने मशीन खरीदी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो आपके 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट तैयार करती है एक बार में, अगर आप 5 साल बाद देखेंगे मार्केट में उसकी वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि तब तक 5 साल बाद एक ऐसी मशीन आ गई होगी जो उसी रेट में या फिर थोड़ा ज्यादा हो, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास उसी रेट में आपके हो सकता है 1000 बिस्किट प्रोड्यूस करके दे रही हो। तो एक तरह से जो आपकी मशीन थी, जो आपकी फिक्स एसेट थी, उसकी वैल्यू में गिरावट आए ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो नॉर्मल वियर एंड टियर हो, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो, चेंज इन टेक्नोलॉजी आर द रीजंस फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड है ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन को आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर कहीं आपके किसी न्यूमेरिकल में आए तो उसका मतलब भी सेम डेप्रिसिएशन ही है। द 8th टर्म इज इन्वेस्टमेंट। तो ये काफी कॉमन टर्म है, आप सबने सुना होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि कोई लोग बात करते हैं कि हमने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया एंड हमें इतना अच्छा रिटर्न मिला, हमें इतना फायदा हुआ, तो अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डेफिनेशन जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपकी कैपिटल फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जिससे आपका जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ता है। कैपिटल स्टॉक आपका होता है, कैपिटल स्टॉक की अगर हम बात करें तो आपका जो मशीनरी होती है, आपकी फैक्ट्री में मशीन लगी है, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग हो, जितनी भी चीजें आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए लगाते हैं उनको जब आप मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की वैल्यू में आप एक्सप्रेस करते हैं कि कितने, मान लीजिए आपकी पूरी फैक्ट्री है उसका सेटअप आपका 50 लाख का है, उसमें पूरी मशीनरी वगैरह ये सब है, तो आप जब कैपिटल स्टॉक है उसमें जब आप एडिशन करते हो, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपकी 50 लाख की एक फैक्ट्री जिसमें आपके सारी मशीन 50 लाख की है, अब आप चाहते हो कि 1 करोड़ की आप कोई और मशीन फॉरन से लाओ, तो अब आपका जो 50 लाख की पूरी फैक्ट्री थी जिसमें पूरी मशीन्स हैं, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरा सेटअप है, वो 50 लाख की थी, अब उसमें आप चाह रहे हो कि आप 1 करोड़ का सेटअप बाहर से लाओ या फिर उससे ज्यादा का कहीं से बाहर से किसी कंट्री से लाओ, तो उसके कैपिटल स्टॉक में एक एडिशन हो जाएगा क्योंकि आप बाहर से एक मशीन ला रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, जैसा कि मैंने बताया। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक और इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका वो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है जो आप फिक्स्ड एसेट्स की परचेज में करते हो, एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हो या अनसोल्ड स्टॉक, मतलब ऐसा स्टॉक जो बिका नहीं उस साल, एक साल में आप उसे परचेज करते हो। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूड होता है। और इसकी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, वो 5 लाख रुपए में एक कार खरीदती है। अब 5 लाख रुपए की एक कार है, क्योंकि कार है समय के साथ डेप्रिशिएट होती है, हमने पढ़ा है कि मशीन्स वगैरह जितनी भी होती हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, एक तरह से डेप्रिशिएट होती है उनकी वैल्यू। अब 3 साल अगर हम बाद हम उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हो गई। अब उसकी अगर आप उसे मार्केट में दोबारा बेचते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की ही बिकेगी। बट उसकी जो अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे तो उसकी आपकी 5 लाख रुपए ही रहेगी। कहने का मतलब कि उतने साल बाद भी अगर आप उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों को बताएंगे, लोग कोई पूछेगा आपसे कि आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी रही, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप डेप्रिसिएशन को ऐड करके बोलोगे। और अगर कोई नेट इन्वेस्टमेंट पूछे तो आपका बहुत ईजी है कि नेट इन्वेस्टमेंट को आप इस साइड ले जाएंगे एंड नेट इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसा लास्ट स्लाइड में हम एक कार वाला एग्जांपल लिया था कि 5 लाख रुपए की अगर आप कार खरीदते हैं और 3 साल बाद वो 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अब वो 2 लाख रुपए की रही, तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि उसकी ग्रॉस वैल्यू आपकी 5 लाख रुपए ही रहेगी। बट अगर आप उसकी नेट वैल्यू की बात करोगे कि 3 साल बाद अब उसकी नेट वैल्यू कितनी है, तो उसकी नेट इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी 2 लाख। अभी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट सिंपल आपका एक्चुअल एडिशन है, एक्चुअल वैल्यू है आपकी जो आपने कैपिटल स्टॉक में ऐड किया है ना गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट इन्वेस्टमेंट में आपका डेप्रिसिएशन माइनस होता है, आपने एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाइन्थ है आपका इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इन्वेंट्री आपका स्टॉक होता है, वो स्टॉक जिसमें आपके स्टॉक एक तरह से जो इकट्ठा किया हुआ आपने अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का, ऐसे गुड्स जो एक तरह से आपने बना लिए थे बट बिक नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस, मार्केट रीजंस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जो आधे ही बने आपके, उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता आपकी मशीनरी खराब हो गई हो, एंड रॉ मटेरियल जितना भी आपके पास कच्चा सामान होता है जिससे आप दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे आप कहें, विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू द अदर। तो इन्वेंट्री सिंपली आपका वो स्टॉक होता है अनसोल्ड फिनिश गुड्स का या फिर सेमी फिनिश गुड्स कहें, रॉ मटेरियल्स का, जो आपकी कंपनी एक साल से दूसरे साल तक कैरी करती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो जो आपकी इन्वेंट्री है वो स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम इसको आप मेजर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपका फ्लो वेरिएबल होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी पीरियड ऑफ टाइम पे के हिसाब से की जाती है। थर्ड है आपका अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब कि आपने सोचा भी ना हो और आपकी इन्वेंट्रीज जो आपने स्टॉक रखा है अनसोल्ड फिनिश गुड्स का वो अचानक बढ़ जाए। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब अचानक आपकी जो सेल है, मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी चल रही है, अचानक मार्केट में किसी ने अफवाह फैला दी कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, या फिर हो सकता है कि किसी ने अफवाह फैला दी कि उसमें कोई ऐसी चीज है, जैसे आप कुछ ऐसी चीज उसमें इंक्लूड कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आपकी जो सेल होगी वो अचानक गिर जाएगी। वो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि ऐसा हो सकता है जो आपके मार्केट कॉम्पिटिटर हो ऐसा अफवाह उड़ाते हैं, ट्यूमर उड़ाते हैं मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो गिर जाएगी। तो फर्म के पास अचानक, उन्होंने प्लान भी नहीं किया है, उन्होंने सोचा भी नहीं है क्योंकि एक तरह से सेल काफी अच्छी चल रही है, अचानक गिर गई, तो जो फर्म होगी उसके पास जो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड होगा, मतलब जो स्टॉक स्टॉक होगा उसके पास गुड्स का, वो अचानक बढ़ जाएगा। तो एक तरह से एक्यूमुलेट हो गई इन्वेंट्री, एक्यूमुलेट का मतलब एक तरह से इकट्ठा हो जाना। नेक्स्ट है अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब कि आपने सोचा भी ना हो, आपने जितने भी एक तरह से आपने आपके पास इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री का मतलब जितना आपने पिछले साल का आपका अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का एक स्टॉक है आपके पास, अब वो अचानक आपका खत्म हो जाए। अब ऐसा तब होगा जब एक अचानक आपकी मार्केट में जो राइस है आपकी सेल की, आपके प्रोडक्ट की सेल की, वो अचानक बढ़ जाए। तो अब जैसे हम बात करें सैनिटाइजर की, कोरोना भैया आया, कोरोना हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, तो अचानक जो सैनिटाइजर और मास्क थे उनकी सेल बढ़ गई। अब जो कंपनी थी, मान लीजिए डेटॉल है, डेटॉल आपका सैनिटाइजर बनाती है, जो डेटॉल की इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री में उन्होंने खूब सारा सैनिटाइजर रखा था। अब मार्केट में अचानक कोरोना आउटब्रेक आया, कोरोना की वजह से लोग बोल रहे हैं सैनिटाइजर की एक तरह से डिमांड बढ़ा दी। अब सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ा दी तो कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी उनकी जो सेल होगी उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, अब बढ़ जाएगी सैनिटाइजर की सेल। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में सैनिटाइजर की जो इन्वेंट्री थी उनसे भी सैनिटाइजर खत्म हो गए। तो एक तरह से जो डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब खत्म हो जाना। तो एक तरह से मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, सेल बढ़ी गुड की, और जो इन्वेंट्री पिछले साल के भी सैनिटाइजर बचे हुए थे वो भी मार्केट में बिक गए। 10th हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का। चिंता मत कीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ही हम मिलेंगे, दो चार और कॉन्सेप्ट्स उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी वो टेरिटरी होती है, देखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा आप सबने। तो यूएनओ ने कहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है आपकी एक ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर की जाने वाली ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जिसके अंदर आपके जो लोग होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हो या कैपिटल हो, इट कैन सर्कुलेट फ्रीली। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इंडियन एम्बेसी ऑपरेटिंग इन एनी फॉरेन कंट्री। तो मान लीजिए हमारी इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसी तो आप सब जानते होंगे, जिसमें हमारे जितने फॉरेन रिलेशन होते हैं उनको हम अच्छे से एक तरह से जोड़ते हैं, उन्हें अच्छे से बनाते हैं, जितना भी एम्बेसी का काम होता है आप गूगल कर सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं पता इस बारे में। तो इंडियन एम्बेसी मान लीजिए हमारी रशिया में है, तो इंडियन एम्बेसी रशिया में है तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है आपकी उसको आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा और ऊपर डेफिनेशन को देखते रहिएगा और मेरी बात सुनते रहिएगा। जो इंडियन एम्बेसी है आपकी जो रशिया में ऑपरेट कर रही है, भले ही वो फॉरेन कंट्री में है, वो इंडिया की भूमि पर नहीं है, इंडिया की लैंड पर नहीं है, बट उसको आपकी ऑपरेट कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है आपकी गवर्नमेंट, तो इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट हुई। तो इंडियन एम्बेसी चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में हो, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट होगा। 11th आपका है नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट, रेजिडेंट तो आप सब जानते हैं कि रेजिडेंट
मतलब जो जहां पर रहता है, या फिर अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटीज वगैरह सबने सुनी होंगी, तो नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर एक ऐसी संस्था होती है, जैसे इंस्टीट्यूशन हम कहें, दोनों आ सकते हैं। देखिए पर्सन और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, जो किसी भी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा की पीरियड के लिए रहे और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई फॉरनर हमारी कंट्री में एक साल से ज्यादा रहता है और उसने हमारी कंट्री में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल लिया है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसका जो उसने कॉम्प्लेक्स खोला, उसने जो मॉल खोला है, वो हमारी कंट्री में खोला है और वो एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए हमारी कंट्री में रह रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट के एग्जांपल्स देख लीजिए, सिटीजंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जितने भी आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप हैं, हम हैं, जितने भी आप लोग अभी हमारे चैनल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो सब नॉर्मल रेजिडेंट हैं। एंड सिटीजंस ऑफ अदर कंट्री, हमारे देश में रह रहे ऐसे लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट होते हैं, जो एक या एक से ज्यादा साल तक हमारे देश पे रह रहे हैं, या फिर उन लोगों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में लाया करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाया करता है, कहने का मतलब कि वो कोई चीज है हमारी कंट्री में ओन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट नंबर 12, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ट्रांसफर इनकम क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आप तब अर्न करते हो जब आप कोई फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो किसी कंपनी को। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दिन रात हार्डवर्क कर रहे हो, तो उसके बदले जो आपकी जो फैक्टर सर्विसेज थी, आपका जो हार्डवर्क था, उसके बदले जो आपकी कंपनी पे करेगी आपको, वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। तो फैक्टर इनकम इन इकोनॉमिक्स टर्म्स इज इनकम विच इज अर्न्ड बाय रेंडरिंग सम फैक्टर सर्विसेज। इट कंप्राइजेस वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, रेंट। फैक्टर इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी वेजेस आती हैं। मान लीजिए आप एक लेबर हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपने दिन में मेहनत करी एंड आपको पर डे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो आपने दिन के एंड में आपको जो पैसा मिला तो आपकी वेजेस हो गई, क्योंकि दिन भर आपने बहुत मेहनत करी, आपने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई प्रोडक्शन में, एट द एंड ऑफ द डे जो आपने कमाया वो वेजेस है, वो आपकी फैक्टर इनकम है। इंटरेस्ट का बात करें तो हम कैपिटल, जो आपकी कैपिटल थी उस पर जो आपका इंटरेस्ट आया, आपने कैपिटल लगाई और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो आपकी फैक्टर इनकम हुई। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए अपने आइडियाज लगाए, एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस आइडियाज डेवलप करे, तो उन्होंने जो उनको इन रिटर्न मिला वो प्रॉफिट्स, तो उनके लिए फैक्टर इनकम हुआ प्रॉफिट्स। रेंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी है किसी ऑन रेंट, मतलब किराए पर आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप की है किराए की लैंड पे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप उस लैंड का रेंट पे कर रहे हो, तो जो आपका एक तरह से लैंडलॉर्ड होगा, उसने आपको फैक्टर सर्विस ऑफर कर दी है बाय प्रोवाइडिंग हिज लैंड, उसने अपनी जमीन देकर आपको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी है, अब आप जो उसको रेंट दोगे उसके लिए फैक्टर इनकम होगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फैक्टर इनकम सिंपली आपकी वो इनकम होती है जो आप अर्न करते हो बाय रेंडरिंग सम फैक्टर सर्विस, जो आप मेहनत करके अर्न करते हो, इसमें आपकी वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट्स हो, रेंट हो, ये सब चीजें आती हैं। 13th आपका लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे, बस वीडियो खत्म ही करने वाले, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो ट्रांसफर इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आप अर्न करते हो विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। तो ट्रांसफर इनकम एक तरह से आपकी वो इनकम है जो आप बिना मेहनत करे कमाते हो। आपके घर पर रिश्तेदार आए, वो आपको गिफ्ट दे गए या पैसे दे गए, तो आपकी ट्रांसफर इनकम हुई, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हुई, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी। हालांकि आप कुछ बच्चे कहेंगे कि जब घर पे गेस्ट आते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें बहुत सारा काम कराते हैं पेरेंट्स, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो जो आपको गिफ्ट देंगे वो आपका ट्रांसफर इनकम ही हुआ। सेकेंड है, इट कंप्राइजेस गिफ्ट्स, सब्सिडीज, डोनेशंस, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो जैसा मैंने बात करी गिफ्ट्स की, डोनेशंस, ये सब ट्रांसफर इनकम में आते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन तो दबाना भूलना ही मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल आपके लिए और हमारे लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आप हमारी ऑडियंस हैं। इस पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।